लिया लो टीका लिया अंदर कट के उतो जी जी उस लाओ टीका तो घोड़ा दौड़ा लो तो घोड़े लैके जाना है जाहिर है शेड्यूल के मुताबिक एक ऐलान हो जलसा वे लेकिन साडा घोड़ा कह लो रेडी नहीं है उस तरह तैयार नहीं है कोई मसला कर रहा वे तो साढ़े दिन कोई डाउट है वो वाल की कहना चाहोगे सर यह बड़ा बड़ा सवाल किया जी 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 जड़िया घोड़िया घोड़े ना जो नस्ल कशी की पुछते हो जी 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 नस्ल कशी अजक असी एक ही लैंड लप लिए जी ये जुले का बच्चा है ये कक्या वाले का बच्चा है जी 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 ये कक्के बुराल वाले की नस्ल है जी लेकिन सारे कक्या लैके आवो दे सारे मोरने लैके आवो दे छीने लैके आवो दे नस्ल है जी बदली होंगी चाहिए वह कमजोर होंगी चाहिए जिस वक्त इस नस्ल में तुम आपो बीती बदली करो तो नशीनिया मोरने लैके जाओ मोरने नशीने लैके आवो दे तो मेरा ख्याल कहता है तुहाडा उस वक्त ब्लैंड लैन भी अच्छी होंगी चाहिए और घोड़े खूबसूरत होंगे जाने ठीक हो जी हाँ तंदुरुस्त होंगे जाने बेहतर जी हाँ ठीक अच्छा सूफी साहब यह थोड़ा रहनुमाई कर दो कि घोड़िया की हाइट के हवाले कि नेजाबाजी वास्ते जी आइडियल हाइट है वो कि होनी चाहिए या जी हाइट है वह ठीक है सर गुजारिश ये है जरा दौर जा रहा है ना जी जी ये रह गई छड़ी नेजाबाजी तुम कल भी दसी मैं गल अज भी यही दसना पा ये निशानेबाजी रह गई ये आइट्स है जी घोड़े की 60+ होनी चाहिए लाजमी ठीक है इस उत्ते घोड़े नवेशी बन जाते हैं और जितना घोड़ा वड्डा होगा इतना खूबसूरत होगा ठीक है इतना घोड़ा वो अच्छा होगा जी जी कीमती भी होंगे लेकिन असं जो नेजाबाजी पसंद करने लोग अजक आ गए ना 60+ 60+61 60+61 ठीक है उ कोई लोग भी शौकीन जो मंगते हैं घोड़ा मेरा 63 च हो जी जी 64-65 हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा घोड़ा जो देसी है ये 63-64 ही है ठीक है हाँ नेजाबाजी वास्ते जो कामयाब घोड़ा जो कोई 10 साल दौड़ता है पे जो अजक का दौर है अगे एक दौर आ जी जिस दौर के एक कौड़ी घोड़ा जोड़ा वो 3-4 नस्लों भी निभा जी ठीक है साढ़े जी बजुर्गों की रखी है जी ये नहीं चलती पी हूँ क्यों अजक जी खुराक ने जी जी इन खुराक ने और साड़िया इन्होंने नेजाबाजिया ने घोड़े बुढ़े कर छड़े ने ठीक है एहतियात कोई नहीं मसाला कोई नहीं उस बाद दबने दबने वो साढ़े जो 60+ है ये जी कर ठीक हो गया अच्छा दूसरा जितने कल गल कर रहे गर्मी का मौसम जिकन बड़ी गर्मी पै रही है तुम कह रहे थे पानी का हाथ ख्याल रखना चाहिए तो नेजाबाजी सिस्टम द्वारा करा गया उन्हें घोड़ा थके आता है ठीक हो गया उस टाइम उन्होंने किस तरह की खुराक देनी चाहिए ताकि एनर्जी दोबारा बहाल हो जाए तकरीबन जिस तरीके असी ये कहने सू निमकोल के की उसको कहने जो पीते ने जी जी पानी च पा के इस तरीके जे इन्हों थोड़ा जहा नमक कलमी शोरा जोखार थोड़ा जि शक्कर बरूरा हो जाए ना एनर्जी बहाल इन्हों की हो जाती है घोड़े फिर फ्रैश हो जाते हैं और घोड़ा गर्मी भी नहीं करता ये मित्र हो गया जो मसाना है जो ये ठंडा ठीक कर ठीक घोड़े का मसाना मेरा ठंडा है तो घोड़ा ठंडा ही ठंडा ठीक हो जी अच्छा सूफी साहब बाज का इस तरह होंगे कि अस नेजाबाजी तो प्रोग्राम जेडे तो ताजीदार लोग ने वो तो अपने घोड़े ने पढ़ लेंगे समझ लेंगे बस साड़ा घोड़ा अज अनफिट है असं ये घोड़ा नहीं खड़ना नहीं सू नेजाबाजी चाहिए सानू अपना घोड़ा चाहिए जी जी कोई साढ़े भरा साढ़े पुत्र वह भी हैं दोस्त वह भी हैं जिन्हें घोड़े अनफिट अनफिट छड़ते हो ना वो लंगड़े लूले ने तो वह भी इस्तेमाल करते हैं फिर जी जी उन्होंने इस गल कोई गर्ज नहीं नेजाबाजी है उन्होंने इस गर्ज इस गल गर्ज है भाई सानू एक जनून है जी जी असं वह पूरा करना है अजकल साढ़े हादसे क्यों हो रहे हैं घोड़े टह डिग क्यों रहे हैं क्यों इस तरीके से असं ग्राउंड ना तकते असं घोड़े की तबीयत ना पढ़ सकते बिल्कुल कोई बंदा सबूत नहीं करके दस सकता कोई तुम कह नहीं सकता ब मेरा घोड़ा जरा अज वाकई तंदुरुस्त नहीं है तो मैं घाटा खाधा जी जी घरों लैके जाते किसी पता ही नहीं है ये पता है नौकरा ने घोड़े गड्डी पाए ने लैके तुर गए ने अनफिट तो वह तके का जो मालक है जो तहसीलदार है जो दस दी तके का घोड़ा मेरा बीमार है या नहीं है या अनफिट है या फिट है ये उन्होंने लोगों का काम है यह बड़ा वाला सवाल किया जेडे ताजीदारा के पुत्र ने जेडे ताजीदार ने जेडे जमींदार इस गल समझते हैं साढ़े माल में कोई तकलीफ ही है कि नहीं है या जेडे इस गल समझ सकते इन्हों की तकलीफ कि तकलीफ होंगी है जो इस तरीके करके घोड़े अनफिट न तकरीबन नहीं नेजाबाज में खड़ना चाहिए ठीक है कार समझ जाना चाहिए बस मेरा घोड़ा फिट नहीं है अच्छा सर जी ये देखा गया है कि हूँ जी जो बंदे मतलब नए आए ने इस काम
तो उन्होंने गल कर रहे थे कि जिन्होंने उन्होंने बनाए है तो अक्सर इस टाइम जाहिर है घोड़ा अनफिट है तो एक ट्रेंड चलिया रवाज बनया कि टीका ला लो। हूँ टीका तो जाहिर है किस मकसद वास्ते लाना है किस हिसाब का है वो सारा तरीकाकार होना चाहिए तो जो बंद टीका ला रहे हैं ये वाले की कहना चाहोगे? सर गुजारिश ये है जेडे ये साडे भरा है ना आप तो उन्होंने पता नहीं वह मातड़ अनपढ़ को पता कर दे जी मेरा घोड़ा लंगड़ा हो गया जी दौड़ता दौड़ता जी जी या मेरा घोड़ा बीमार हो गया जी दर्द पै गया हाँ जी मैं यही गल कहता जी फटाफट ए टीका जाके लै वन मैं पता है ही या नहीं है जी जी ए टीका लै वन तो लिया के ला लो जी हाँ जी वह तकरीबन पता ही नहीं है उन्होंने तजर्बा ही नहीं है भाई घोड़े ने बाकी टीका लाने च जी अच्छा वो इस तरीके करते ने टीका मंगवाया मैं दो झोने का बाजिया तो गया जी जी वो जी वो घोड़ा फलाना है जो नहीं ठीक दुए ने आखे लिया लो टीका लिया अंदर कट के उतो जी जी उस लाओ टीका तो घोड़ा दौड़ा लो वो अज की दिहाड़ से क्डो ना वो फिर अज की दिहाड़ कड़ने की गल रह गई ना बिल्कुल बिल्कुल ये सरासर ज़ियती है और सरासर जुल्म है जी जी एक बीमार चीज़ में तकलीफ देना गुनाह है जी असी आप बीमार हो गए टीका लवा के वक्त गुजारीए उस बाद सानू बंदा आके कर मजदूरी क्यों नहीं करता पाया तो फिर ज्यादती है ना जी जी इसी तरीके ने इस जानवर ने भी ज्यादती है वो नहीं करना चाहिए तो ये फिर मतलब जिस तरह घोड़ा फिर अनफिट है तो टीका वगैरह लाने या कोई और फिर मुनासिब हल है या मतलब घोड़े साइड से कर दो उन्होंने साइड से कर दो ट्रीटमेंट करो कर लिया आके ठीक हो गया कर उस घरों गया ना उस जो लख रुपये लाए ने एक दिहाड़ की नजरबाजी वास्ते या एक खुरी वास्ते घोड़ा अपना बर्बाद कर लेंगे हो तबाह कर लेंगे हो जी जी एक अच्छाई तो बुरी है बेहतर हो गया या सबर कर देना चाहिए थोड़ा जहाँ।